पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं। एके मिश्रा जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मिश्रा साहब, आपने सुना सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से अपने आप को पाक साफ दिखा रही हैं और ये बता रही हैं कि मेरी कमीज सामने वाले की कमीज से सफेद ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमाम में तो सर सब नंगे हैं। अब किसी ने कोई कार्रवाई की है, कुछ आगे बढ़ी है, कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सब उसके पीछे क्रेडिट लेने में जुट गए हैं। हकीकत यह है कि ये पीसी गुप्ता तो एक बहुत छोटी सी मछली है जिसने एक जगह पर रह करके और इतना बड़ा कांड कर दिया। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, न जाने कितनी जगहों पर कितने अधिकारियों ने क्या क्या गुल फैलाए हैं। कभी इसकी जांच हो सकती है क्या इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज और इन्हीं अधिकारियों के द्वारा? अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और ये मुद्दा हमें इसको केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं देखना चाहिए। न जाने कितने ऐसे पीसी गुप्ता देश के कोने कोने में पड़े हैं। एक छोटा सा डाटा दे दूं, आजादी के बाद 70 सालों में हमारी इकोनॉमी हुई है वो 2.8 ट्रिलियन की, और आजादी के बाद इतने ही टाइम में जो भारत में टोटल घोटाले हुए हैं वो है लगभग यूएस की इकोनॉमी के बराबर है। चाइना की इकोनॉमी 11 ट्रिलियन है। तो यानी जो हमारे यहाँ घोटाले हुए हैं पीसी गुप्ता और नेताओं जैसे और तेलगी वगैरह जैसे लोग हुए हैं, जितनी इकोनॉमी ग्रो की है उससे जो है लगभग 8-10 गुना ज्यादा तो घोटालों में पैसे चले गए। एक बड़ा जेन्यून क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए। मैं अभी सुन रहा था कि एक कोई रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर भी हमारे पास बैठे हैं और मेरा ये सवाल दंदनाता हुआ जरूर है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा। सर, आप मुझे एक चीज ये बताइए, जो ये आईएएस और पीसीएस की लॉबी है, जब आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है तो डेफिनेटली उस वक्त आप सब लोग पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ ये वहां पे बोलते हो इंटरव्यू पैनल में कि हम जी बहुत ईमानदार हैं और देश की सेवा करेंगे, क्योंकि आप अनुभवी हैं। मुझे ये बताइए कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और 3 महीने या जितने की भी आपकी ट्रेनिंग होती है साल भर की, ये देहरादून में या कहां पे है जो लाल बहादुर शास्त्री, उससे निकलने के बाद जब आप लोग अपने ऑफिस में जाते हैं तो ऐसा वहां पे कौन सा माहौल या ट्रेनिंग है कि ज्यादातर लोगों का ईमान ही वहां पे बदल जाता है? जो सेवा करने के लिए आप लोग जाते हैं वो अपने पर्सनल सेवा में और कमाई आप लोग लग जाते हैं। ठीक है, तो सेवा भाव कैसे मेवा भाव में बदल जाता है, इसका जवाब ले लेते हैं मित्तल साहब। मैं आता हूं सर, मिश्रा जी समय कम पड़ जाएगा। सेवा भाव मेवा में कैसे बदलता? ऐसा सोचा जाता है लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। सर, हकीकत तो सामने आ रही है ना, पीसी गुप्ता तो एक एग्जाम्पल है। मैं जवाब दे रहा हूँ। कई दिनों पे मेरी पोस्टिंग रही है जीरो के, तो जब कोई आईपीएस आईएएस जब शुरू में आता है तो बहुत ही ईमानदारी से काम करता है और सोचता है कि मैं देश को बदल दूंगा, लेकिन जब पॉलिटिकल कॉकस में जब वो फंसता है ना, तब वो करप्ट होने के लिए मजबूरी से तैयार होता है। कई आईएएस आईपीएस के मेरे उदाहरण हैं कि जब वो जिले में आते हैं, उन्होंने ठीक से कार्रवाई की और जब उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह कर दी जाती है जहां कोई मतलब का नहीं रहता। मैंने कई आईएएस आईपीएस को गाली सुनते हुए सुना है, मंत्रियों को और सीनियर आईएएस के माध्यम से, और कई आईएएस को मैं रोते रहे ट्रेनिंग के बाद क्या स्थिति होती है। ट्रेनिंग के बाद वास्तव में वो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन वो साल बाद ऐसा कॉकस में वो फंस जाते हैं कि वो मजबूरी हो जाती है। सहमत हूँ सर, आप लोगों की एक यूनियन है पूरे इंडिया लेवल पे। अभी थोड़ा सा तनख्वाह हो जाए, कम हो जाए या कुछ हो जाए तो आपकी पूरी यूनियन पूरे इंडिया में काम खत्म कर देती है। मैं बोलता हूँ कि जब नेता लोग आपको प्रेशर करते हैं करप्शन के लिए तो उस वक्त आपकी यूनियन क्यों शांत रहती है? क्यों नहीं आज तक आपकी यूनियन ने आईएएस लॉबी यूनियन यूनियन में इसलिए नहीं रह सकते कि उसका कोई सबूत नहीं होता है। यदि नेता है वरिष्ठ अधिकारी ऐसी जगह बुला के डांटते हैं, ऐसी जगह जाके कहते हैं कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जब तक यूनियन में कोई प्रूफ नहीं रखेंगे तो यूनियन कार्रवाई कैसे करेगी? ठीक है, अभी दिल्ली का देखा होगा, अभी दिल्ली में यूनियन है। सर ये सुनिए एक मिनट, मैं आता हूं, मैं आता हूं, दिल्ली में सब कुछ हुआ, मैं नेताओं से बात हो रही है, मैं एक जवाब ले लेता हूं। आता हूं सर मिश्रा जी, मैं एक जवाब ले लेता हूं। अनिल आत्रे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए प्रशासनिक अधिकारी ही भ्रष्ट हैं और वो हम तक रास्ता बताते हैं, वही रास्ता बताते हैं कि किस तरीके से हम कमा सकते हैं, हमारे घर भरे जा सकते हैं। दूसरी तरफ जब नेता अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि साहब हम तो गाली खाते हैं नेताओं की, हम क्या करें। अब सवाल यह कि कौन सच बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है, मैं झूठ का नाम ही नहीं ले रहा। आप ये बताइए कि आपकी भी तो सरकारें नहीं चल रही, ये स्थिति तो आपके सामने भी आती है। देखिए निश्चित तौर पे अगर इसमें मैं एक किसी का भी नाम नहीं लूंगा,
ना किसी एक राजनीतिक दल का नहीं लीजिए ना सर। ठीक है, देखिए ये निश्चित तौर पे ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजते। राजनीतिक और जो है जो अधिकारी गण है, जब तक दोनों सहमति से नहीं हो तो काम नहीं होता। ये भ्रष्टाचार होता ही तभी है जब तक दोनों की सहमति हो। ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती किसी से पकड़ के काम करवा लिया जाता है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में हम लोगों ने दिल्ली में देखा है, किस प्रकार से आईएएस लॉबी जो है राजनीतिक दबाव में नहीं आई, और वो पिछले चार महीने से नहीं उनकी सुन रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनके हिसाब से नहीं उनसे काम करवा रही थी, और किसी प्रकार से उनका किस प्रकार से तालमेल बिगड़ा था। तो आईएएस लॉबी अगर अपनी पे आ जाए तो सरकार के काम धाम ठप भी करा पाए, इसका उदाहरण हमने देखा है। केवल ये नहीं कहना ठीक है कि जो है नेताओं के दबाव में आके अधिकारीगण काम करते हैं। क्यों हम पूछना चाहते हैं क्यों अधिकारी जो है, आपने इतनी पोस्टिंग काटी है तमाम जिलों में, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये नहीं पता कि क्यों नेताओं के पास जाकर के या सीनियर अधिकारियों के पास जा जाकर अधिकारी सिफारिश में जाते हैं कि हमारी फला जिले में पोस्टिंग कर दीजिए, वो एक लेवल काम करना है, वो कहीं भी भेज दिया जाए। क्यों ये ट्राई एरिया और क्यों ये मलाई वाले चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है, वहां कौन उनको भेजना चाहिए, नौकरी करनी है। कश्यप जी, मैं आपसे जाना चाहूंगा, मैं आपसे जाना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की स्थितियां हमारे देश में है, देखिए पिछली सरकार अभी यूपीए की चल रही थी, उसमें कोई कनी मुई भी जेल गई, कोई डी राजा भी जेल गए, कई और घोटाले थे जो जेल जाते जाते बड़े बड़े वकीलों ने उनकी पैरवी कर डाली, फिर जेल से भी बाहर निकाला है, वगैरह वगैरह। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं सवाल उस जगह तक ले जाऊंगा कि कोई सरकार ईमानदारी से काम करना चाहे, कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहे, वो किसी की भी सरकार, अगर कोई गुनहगार पकड़ा भी जाता है तो ये नेक्सस इस तरीके का है, हमारा सिस्टम इस तरीके का है कि वो सलाखों के पीछे से भी बाहर आने का मादा रखता है, वो नजीर नहीं बन पाता है। जेल तो अखंड प्रताप सिंह भी गए थे, नीरा यादव भी गई थी, नजीर तो नहीं बने ना। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं, हमने एक बचपन में हाई स्कूल इंटर में हिंदी में एक कहानी पढ़ी थी, नमक का दरोगा, आप उसको कभी पढ़िएगा। और आईएएस लॉबी और ये जितने भी हैं, अगर ये ठान ले, देखिए नेताओं से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, हमारे देश में अभी वर्तमान सरकार में और पहले भी नेता लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई खाना है तो दाल में नमक के बराबर खाओ, और ये मीडिया में वो लोग बोलते हैं, कई लोगों ने ये बोला है। जो लोग हाई स्कूल पास है, आठवीं पास है, आप नेताओं की क्वालिफिकेशन देखिए, उनसे मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है ये जो आईएएस पीसीएस की जो लॉबी है आईपीएस की है। अच्छा, जो ये आपने नेक्सस बोला है, मैं बोलता हूँ कि आपको चुना ही इसीलिए गया है, चाहे वो जज हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, न्यायपालिका में आप जो कर्मचारी हैं हायर पोस्ट पे, आपको इसीलिए सेलेक्ट किया गया है कि गाहे बगाहे आपको इन सब चीजों से फाइट करना है, ऐसा है। आपको मिश्रा जी, ऐसा माफ कीजिएगा, एक मिश्रा जी, जो देश में अदालत में खड़े होकर के जिरह करते हैं, ये अजीब इत्तेफाक है कि वो सबसे बड़े वकील भी हैं और सरकार उनकी होती है तो सबसे बड़े नेता और मंत्रालय भी उन्हीं के पास होते हैं। देखिए, आप जिरह करने से रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये अधिकार है। कह रहा हूँ कि इस नेक्सस, ये नेक्सस ऐसा नहीं है। नहीं, ये नेक्सस नहीं है सर। यहाँ पे होता क्या है, जहाँ पे ये नेक्सस है, प्रेशर के कारण जहाँ पे हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह झुक जाते हैं, केस को वहीं पे इतना ढीला कर दिया जाता है कि वो कोर्ट में टिक ही नहीं पाता है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मुझे उनसे मैच्योरिटी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ आठवीं पास, दसवीं पास लोग भी मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। मित्र साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो भी बातें हो रही है, मैच्योरिटी पहले से ही आती है क्या? आ रहा हूँ दिनेश जी, आऊंगा। मित्तल साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जो उम्मीद है वो फिर भी उन पढ़े लिखे लोगों से है जो आईएएस पीसीएस की परीक्षा पास करके ऊपर तक पहुंचते हैं, असल उम्मीद उन्हीं से बची रह जाती है, और वही 30-40 साल काम भी करते हैं, सर्विस करते हैं। नेता तो 5 साल में या 1.5 साल में, 2 साल में उसकी सरकार जा सकती है। तो क्या हमारा सिस्टम ऐसा ईमानदार हो सकता है, या फिर ये समझ लिया जाए कि दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, ये दो पटरियां हैं साथ साथ चलने वाली? देखिए, जहां तक सवाल है, ईमानदारी से और सख्ती से काम करने का, तो अधिकांश लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वो मेन लाइन से हटकर साइड में हो जाते हैं।
अगर उन्हें उत्साहित किया जाए तो ये देश की तस्वीर बदल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।